Uyanış Büyük Selçuklu एपिसोड 12 एपिसोड 11 जो कि इंतहाई जबरदस्त रही। एक तरफ जहां पे संजार को सजाए मौत होने लगती है लेकिन बच जाता है, हाजी निजाम मुल्क एन वक्त पर पहुंच के उसको बचा लेता है। दूसरी तरफ जो उन्होंने दाइयों का एक साथी पकड़ा है वो उसको रुस्तम के ठिकाने का बताता है। आपने देखा वो रुस्तम को पकड़ने भी जाता है लेकिन एक काम बड़ा जबरदस्त होता है जहाँ पे अशन तास अपने भाई की मोहब्बत में जो है संजार को तीर मार देता है जिससे संजार जख्मी हो जाता है। एपिसोड 12 के ट्रेलर 1 पे हमने बात की थी पहले अपनी वीडियो मैंने डाली थी चैनल पे। ट्रेलर 2 में हम बात करेंगे इस वाले से कि बाजंतीनियों के हाँ एक काफिला आ रहा है असले का और वो जो है उसमें अमीर अल्तबर का क्या किरदार है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बातिनियों और बाजंतीनियों का दोबारा इतिहाद होने जा रहा है वो किस हवाले से है, क्या जो है रुस्तम यकीन करेगा अशन तास की बात का, उस सुल्तान मलिक की शाह को कौन खबर देता है कि संजार पे जो है उसके अपने साथी ने हमला किया हो गद्दारी की है इस तरह, यानी कि सुल्तान मलिक शाह को ये कौन खबर देता है, तो ना खतून का इसमें क्या किरदार है, वो जो आपने ट्रेलर में देखा कि उनको भी कहा जाता है कि वो जख्मी है उनका क्या किरदार, अमीर अल्तबर का इसमें क्या किरदार होने जा रहा है, क्या जो है संजार एक दफा फिर सुल्तान मलिक शाह की नजरों से गिर जाएगा, इस तरह के हम तमाम सवाल के जो ट्रेलर 2 के वाले से इस वाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इस वाले से बात करते हैं कि बाजंतीनियों का एक काफिला आ रहा है जिसमें असला है और ये जो खबर है हाजी निजाम मुल्क को भी पहुंच जाती है कि असला आ रहा है। आपको याद होगा 2 किस्त पहले जब बाजंतीनियों का बारूद मवाद असले का खत्म हुआ तो अमीर अल्तबर से उन्होंने गुजारिश की थी कि हमें ये सामान चाहिए तो अमीर अल्तबर ने उसको दिया था। तो मुझे वैसे ये जाती तौर पे लगता है, मैं पक्की बात नहीं कर सकता कि हो सकता है अमीर अल्तबर का किरदार आने वाली एक साथ में आप देखें कि वो धोखा देगा सल्तनत को अपनी सुल्तान मलिक शाह को धोखा देगा और उसकी जो ज्यादा साइड है बाजंतीनियों के साथ होती आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं इस हवाले से कि क्या बाजंतीनियों का और बातिनियों का इत्तेहाद होने जा रहा है, तो बिल्कुल इत्तेहाद होने जा रहा है। जो असला आ रहा है उसमें धमाका के मवाद भी है और उसी से जो है साजिश एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है जो इस असले को सेल्जुक सल्तनत के सिपाहियों पे इस्तेमाल किया जाएगा। आपने बेराम को देखा है जो इंद्रास से मिलता है वो यही खबर लेके वहां पे जाता है कि जो असला है वो आ रहा है। आपने पिछली किस्त में आपने एक और बात भी नोट की होगी जो हाजी निजाम मुल्क जब सुल्तान मलिक शाह को यूरोप के हवाले से बात बताता है, यानी कि यहाँ पे एक नए ग्रोह की आमद हो रही है। जो परिंदा आपने देखा है हसन सबा के हाथ में वो पैगाम रसानी के लिए उधर ही भिजवाया गया है जिसको आप ट्रेलर में लड़ता भी देखते हैं सुजोकी सिपाहियों से। तो आने वाले दिनों में यानी कि 2 से 3 ग्रुपों का मुकम्मल इत्तेहाद हो रहा है और सेल्जुक सल्तनत के सिपाहियों से वो लड़ेंगे। रही बात ये कि संजार को अशन तास एक तीर मारता है इसकी खबर सुल्तान मलिक शाह को कौन पहुंचाता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि हसन सबा ही इसकी खबर सुल्तान मलिक शाह को पहुंचाएगा अपने सिपाहियों के, उसके सिपाही उसको जो है खबर देंगे। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब रुस्तम को बचाने लगता है अशन तास ये सारे बैकेंड में सारे बातिनी मौजूद होते हैं, तो ये खबर इस तरह पहुंचाई जाएगी कि जैसे कि संजार ने एक दफा फिर गद्दारी कर दी है। जब ये बात सुल्तान मलिक शाह को पता लगेगी तो यकीनन वो तलब करेंगे गुस्से से कि संजार को लेके आओ, जो इत्मार उसका बहाल हुआ था वो दोबारा आपको इस किस्त में टूटता नजर आएगा। संजार को लाया जाएगा, फिर आपने ये भी डायलॉग देखा है संजार कहता है कि हम इस रियासत के लिए खिदमत करते हैं, आपके महल के अंदर के लोग तो जो है कुछ भी नहीं कर रहे। इस बात पर सुल्तान को गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की। अब संजार ये बात क्यों कर रहा है, 2 वजूहात हो सकती है। एक तो वजूहात ये हो सकती है जब उसकी माँ को यहाँ से निकाला गया था सफरिया खतून ने साजिश करके, इस वाले से वो बात कर सकता है। दूसरा जो उसको सजाए मौत दी जा रही थी पिछली किस्त में हालांकि वो बेगुनाह था, इस वाले से भी बात की जा सकती है, हो सकता है उसने तंज किया हो। लेकिन जो है ये इस तरह होगा नहीं जिस तरह आपको ट्रेलर में दिखाया गया कि सुल्तान मलिक शाह गुस्से में आए थे। सुल्तान मलिक शाह संजार को कुछ नहीं कहेंगे ना कैद करेंगे, इस दफा कोई सजा नहीं होने वाली, लेकिन यही कहा जाएगा कि जल्द से जल्द रुस्तम को ढूंढ के लेके आओ। अब क्या जो है रुस्तम को मार दिया जाएगा, क्या रुस्तम जो है अशन तास के साथ मिलकर बातिनियों का साथ देगा। यहाँ पे मुझे 2 चीजें लगती हैं जो हो सकती हैं, या तो रुस्तम और अशन तास दोनों को कैद कर लिया जाएगा या उनको मजबूर किया जाएगा कि उनके हम तुम्हारी जो माँ है वो हमारे पास है
और इसलिए जो अपने मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन असल टास्क जो है, अब एक दफा उसने तीर मार दिया जो संजार को, लेकिन आगे से जो तीर संजार भी इतनी जल्दी ट्रैप में नहीं आएगा दोबारा असल टास्क के, बल्कि मेरा ये तौर पर ख्याल है कि संजार रुस्तम को असल टास्क दोनों को बचा लेगा। हो सकता है कि रुस्तम मारा जाए और हो सकता है रुस्तम बच जाए। अगर वो बच जाएगा फिर भी उसको सुल्तान मलिशाह के सामने पेश होना पड़ेगा जो उसने कत्ल किए हैं, और हो सकता है उसको वैसे ही मार दिया जाए और बातिनी मार दें या बासुंतीनी मार दें, क्योंकि उसकी उसके लिए हर जगह मौत ही लिखी हुई है। क्योंकि एक तरफ वो भाई की मोहब्बत उसके लिए होगी, दूसरी तरफ जो है जो कि सिपाही भी उसकी तलाश में है, तो मुझे ये लगता है रुस्तम का किरदार जल्द खत्म होने वाला है। और ये होगा कि नहीं ये तो आपको आने वाली सब में पता लग जाएगा। अब जो तोड़ना जख्म की बात करते हैं कि उसको भी एक लाइन हमने देखी है ट्रेलर में कि तुम्हारा जख्म गहरा है। अब मुझे नहीं लगता कि वो किसी लड़ाई में शामिल हुई होंगी जो ऐसी बात की है। तोड़ना का तो लड़ाई में नहीं हुई शामिल हुई यकीनन। हाँ, अमीर अल्तबर के हवाले से हो सकता है कि अमीर अल्तबर को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो इस हवाले से वो बात कर दें कि तुम्हारा जो है जख्म गहरा है, यानी कि उसके बाप के दुख की वजह से। अब अमीर अल्तबर मुझे यही लगता है आने वाले साथ में, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो पिछली किस्म जो मरा है अबुल कासिम वो भी गद्दार है, मैंने अपनी पहली एपिसोड में ये बताया था, और आखिर आगे जाके यही हुआ था। और इसमें भी मुझे यही लगता है कि जो अमीर अल्तबर अब जो होगा वो भी गद्दारी की जुमरे में शामिल किया जाएगा। और रही बात इस हवाले से क्या हसन सबा मंजर यहाँ पे आ जाएगा, हसन सबा बिल्कुल मंजर यहाँ पे नहीं आएगा। एक पावरफुल उसका किरदार, पावरफुल रोल दिखाया जा रहा ड्रामे की। वैसे तो हर किरदार ही ड्रामे की जान है, लेकिन इसका किरदार सबसे जबरदस्त है। नेगेटिविटी में हसन कर सबा अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है। आपने ये भी देखा कि संजार जो हसन सबा के घर में भी मौजूद होता है, क्या संजार को हसन सबा पे शक है, क्या वो उसका जो है राज फाश कर सकता है। संजार को शक तो हुआ है हसन सबा पे, लेकिन इतनी जल्दी राज फाश नहीं होगा। संजार इसके पीछे तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन उसका कुछ सबूत नहीं है। ये आने वाली एक साथ में हम देखेंगे भी। जबरदस्त किस्त होने जा रही है जो कि आज 14 दिसंबर को नशर की जाएगी। नाजरीन, उम्मीद है ये आपको ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।